में 2050 तक आज के मुकाबले चार गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बड़ी स्मार्ट सिटीज एंड ग्रीनफील्ड सिटीज देखने को मिलेंगी। हाइपर लूप, हाई स्पीड रेलवे, बेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो प्रेडिक्शन इस वजह से होती है कि कुछ ना कुछ नज़र आ रहा था और वो जिस वजह से आ रहा है, और पाकिस्तान भी जिस जितना है, तो पाकिस्तान शायद 1 ट्रिलियन की GDP भी ना कर पाए 2050 में, लेकिन इंडिया जो है 30 ट्रिलियन की हो जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया के 2050 में किस तरह से होंगे, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के। और पता नहीं है पाकिस्तान का क्या फ्यूचर बताने लगे, लेकिन इंडिया का तो फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही है। तो लाजमी जो है हम इस वीडियो को देखेंगे, आपने भी एंड तक हमारे साथ देखना है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं फिर देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2050 तक इंडिया की GDP कितनी होने वाली है? साथ ही 2050 तक क्या होगी पाकिस्तान की हालत? हालत और GDP कंपैरिजन से, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे ईयर 2050 के इंडिया को 2050 के पाकिस्तान के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.66 बिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 375 मिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2022 में इंडिया की नॉमिनल GDP 3.53 ट्रिलियन डॉलर्स की है, एंड पाकिस्तान की नॉमिनल GDP 359 बिलियन डॉलर्स की है। 2050 में इंडिया की GDP 30 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान की नॉमिनल GDP अच्छा वो 10 टाइम ज्यादा हो गया पाकिस्तान की, कितने टाइम तीन टाइम पे नहीं पड़ी। ग्रोथ के हिसाब से भी तो है ना, कि कितनी को ग्रोथ है। 2022 इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, और शायद 2050 तक इंडिया के पास 44 स्टेट्स हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी इंडिया में प्रपोज्ड स्टेट्स की काफी डिमांड बढ़ रही है, और यह शायद नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास 2050 तक आज की तरह टोटली 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही रहेंगी। GDP PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, तो इंडिया की GDP PPP 2050 तक 48 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है, जो चाइना के बाद पूरी दुनिया में नंबर 2 रैंक पर स्टैंड करेगी, और थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा USA। पाकिस्तान की GDP PPP 2050 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और प्रोविंस 2050 तक, इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 50 करोड़ के आसपास होगी। पाकिस्तान का 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत पंजाब प्रांत सिर्फ 23 करोड़ यहाँ पे ही, जितनी इस टाइम पूरे पाकिस्तान की है देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा GDP महाराष्ट्र 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी GDP से ज्यादा। सबसे ज्यादा GDP पंजाब प्रोविंस की 400 बिलियन डॉलर्स की देखने को मिल सकती है। जिंदगी में गाइस 2050 तक इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता होगी, जबकि जिनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान कहते हैं। 2022 में इंडिया का GDP पर कैपिटा 2543 US डॉलर्स का है, और 2050 तक इंडिया का GDP पर कैपिटा इससे 3 गुना ज्यादा होगा, यानी 7000 US डॉलर्स से 8000 US डॉलर्स के बीच में। पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा 1560 US डॉलर्स का है, और 2050 तक GDP पर कैपिटा इनकम लगभग 2500 US डॉलर्स से
इंडिया में 2050 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोगो की एटीएस हो सकती है। साथ ही आपको पाकिस्तान में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 इयर्स देखने को मिल सकती है। 2050 में इंडिया में पॉवर्टी रेट 1% होगा, पाकिस्तान में 2.5% होगा। 2050 तक इंडिया में 90% पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करेगी। पाकिस्तान में यही आंकड़ा 77% का होगा। इंडिया का डिफेंस बजट 2050 तक $450 बिलियन का हो सकता है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2050 तक $120 बिलियन का हो सकता है। 2050 तक इंडिया में 99% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी होगी, जबकि पाकिस्तान भी अपने देश में 98% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देगा। इंडिया में 2050 तक आज के मुकाबले 4 गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बड़ी स्मार्ट सिटीज एंड ग्रीन फील्ड सिटीज देखने को मिलेंगी, हाइपर लूप, हाई स्पीड रेलवे, बेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म सेक्टर में इंडिया वर्ल्ड के लीडर कंट्रीज में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है और ना ही आसान। हमें भारत की भविष्य की बातें सुनने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर हम और हमारी गवर्नमेंट एक प्लान तरीके से फ्यूचर को फेस नहीं कर पाए तो वर्ल्ड की लीडरशिप कंट्रीज में शामिल होने का हमारा मात्र एक सपना ही रह जाएगा। वही जिस तरह आज का पाकिस्तान आपको नजर आता है, यह फ्यूचर में एक बेटर कंडीशन में पहुंच सकता है। और अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न करके अपनी इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है तो यह फ्यूचर का एक डेवलपिंग कंट्री हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। क्या कहते हैं जी आप? पहली चीज, फ्यूचर किसने भी देखा, ठीक है, और दूसरी चीज के हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको अच्छे लीडर्स मिलते रहे तो आप बहुत तरक्की कर सकते हो, आई थिंक इससे भी कहीं ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपके लीडर्स आपको अच्छे ना मिले, जो इंसान आपको लीड ही अच्छी तरह नहीं करेगा, आई थिंक वो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। इसी तरह मुझे लगता है, अच्छा कहते हैं ना, कभी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि पाकिस्तान का कोई अच्छा लीडर, मतलब एक सेंस वाला, एक से पता होगा कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लेके चलना है, मुझे लगता है कि यही पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, देखे प्रेडिक्शंस तो मैटर करती है, बट मैं एक चीज़ को देख रहा बहुत हैरान हूँ कि देखें इंडिया के पास भी जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पाकिस्तान के पास भी पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह इस वक्त कराची की सिचुएशन है पाकिस्तान के या इवन इंडिया के भी अंदर, मुंबई के अंदर भी आपको देखेंगे कि जगह कम है, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक और ये वो सारी चीज़ें। एनी हो, जब लोग ज़्यादा होंगे ज़्यादा जो है GDP भी बढ़ेगी और सारा कुछ, लेकिन जो इंडिया की GDP है वो बहुत ज़्यादा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब वो 10 times। और वो किस बुनियाद पे है, मतलब एस्टिमेशन होती है आपकी वर्किंग को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के, और फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल होता है, बट वो प्रडिक्शन इस वजह से होती है कि कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है, और वो जिस वजह से आ रहा है और पाकिस्तान भी जितना, तो पाकिस्तान शायद 1 trillion की GDP भी ना कर पाए 2050 में, लेकिन इंडिया जो है 30 trillion की हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसके हवाले से कि इसके जो आने वाला फ्यूचर किस तरह से होगा और कि ये किस तरह कितना को अच्छा बन जाएगा और कितना को अच्छा नहीं बनेगा, और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी इलाकों में जो है, तो मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि देखें अगर पाकिस्तान के हालात आज भी जिस तरह की आज की सिचुएशन और पाकिस्तान के लीडर्स जिस तरह आज सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान आज इससे ज़्यादा ग्रो करेगा। जितनी आवाम ज़्यादा होती जाएगी, जितना यहाँ पे अन एजुकेशन बढ़ती जाएगी, और जितने इसी तरह के अगर लीडर मिलते रहे ना, तो पाकिस्तान शायद इससे भी कहीं नीचे चला जाए, और इंडिया को जिस तरह के इस वक्त लीडर मिले हैं या इंडिया जो कर रहा है वो बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के
एक डिज़ास्टर वगैरह और चीज़ें वगैरह आ जाती हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं, नेचुरल होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान को बहुत पीछे फेंक देती है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ अभी भी रिसेंटली एक सैलाब आया और उसने बहुत, तो ये चीज़ें जो है ये अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन फ्यूचर में जो प्रडिक्शन जो इकोनॉमिस्ट या जितने भी लोग फ्यूचर प्रडिक्ट करते हैं लोगों की और कंट्रीज़ की जो उनके प्रोग्रेस को देख के, तो ऐसे में इंडिया बहुत आगे जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब हम डिफरेंट चीज़ों पर प्लानिंग करते हैं, मतलब इंडिया जैसे ममालिक भी जैसा है, तो पॉपुलेशन पर प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? मैं देखें पॉपुलेशन सबसे पहले तो यह जी कि इन कंट्रीज़ में ना हर एक का अपना अपना मतलब कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम कहते हैं जी कि ये तो ईश्वर की, ये तो खुदा की देन है या ये तो अल्लाह की देन है कि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चाइना ने भी तो देखो किया। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए हम रिलीजियस कंट्री या हमारी उस तरह की सिचुएशन है कि हम प्री प्लान कोई चीज़ करते नहीं हैं, हम हमारी चीज़ें सडनली होती हैं और ख़ास तौर पे, और जब एजुकेशन ज़्यादा हो जाएगी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमने आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनको भी पढ़ाना है और हमारे एक्सपेंसेस इस तरह के नहीं हैं ये वो, या गवर्नमेंट हमारी इतनी हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही जिस तरह कैनेडा वगैरह वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, तो वहाँ पर लोग जो हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उन्हें पता है कि इसके जो इनकी जो देखभाल है वो हुकूमत इसका ज़िम्मा उठाएगी, तो ये एक ज़रूरत है, अदरवाइज़ फिर आपको वही सिचुएशन मिलेगी कि गुरबत और वो सारा सिलसिला। लेकिन जिस तरह एक प्रेडिक्शन हो रही है कि वहाँ पे जो है मतलब पॉवर्टी रेट 1% हो जाएगा लेकिन पाकिस्तान में 2%, तो ये एक सारी फ्यूचर जो है वो एक अनप्रडिक्टेबल है, बट जब हम ये थोड़े बहुत देखते हैं आंकड़े और जब हम उनका माजी से जिस तरह से ग्रोथ चलती आ रही है तो फिर हमें लगता है कि यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। एनी हो, आपको वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉर अ सेशन है, तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें दुआ में याद रखें अल्लाह।